अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं। आज तो मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपको फ्रूट्स जो यहाँ के हैं 3-4 उनका टेस्ट टेस्ट करवाती हूँ। और ज़ाहिर है वो सारे फ्रूट मैं एक दफ़ा में तो नहीं खा सकती हूँ, 3-4 अभी खाऊंगी, 3-4 कल मैं खाऊंगी, तो आपको वो ब्लॉग बन के नज़र आ जाएगा। ये एक्चुअली कमेंट था कि आप फ्रूट टेस्ट करें कि पाकिस्तान और वहाँ के फूड में क्या डिफरेंस है। तो चलें आ जाएं हम अब फ्रूट टेस्ट करते हैं। चले जी, आप देखें डिफरेंट तरह के फ्रूट्स। तो गैस आप बताएं क्या क्या है, मुझे शायद पता नहीं। खरबूजा ये एप्पल, एप्पल को क्या कहते हैं? यानी खास तौर पे ये जो इसका कंधारी एप्पल आमतौर पे नाम लेते हैं, और ये जो रेड कलर का, ये अच्छे एप्पलों में इसका शुमार होता है। अब बाकी नाम तो सही हो सकता, मैं गलत भी ले जाऊं। ये आपके किन्नू हैं जिसको हम कहते हैं ऑरेंजेस, और वो आगे पड़े हैं आपके चीकू। चीकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका टेस्ट करते हैं, करते हैं आज। मुझे तो हर टेस्ट पता है, मैं तो खाता पीता रहता हूँ। अब ये लोग नए हैं तो करके देखो इसका टेस्ट क्या कहता है। ऑरेंजेस जो है उसका सीजन खत्म हो रहा है। हाँ, तकरीबन वो मुझे बता रहे थे कि वो बता रहा था कि भाई ऑलमोस्ट सीजन इसका पूरा होने वाला है। और इसको हम वहाँ पे लगकर रॉयल गाला है। रॉयल गाला है हमारे जहाँ, अच्छे टोरंटो में रॉयल गाला है। और ये मैं घर में भी यही लाती हूँ, तो इसलिए मैंने जैसे कहा था लाल जो पूरे रेड होते हैं वो वाले नहीं, जो मिक्स से होते हैं कलर डिफरेंट, तो वो लाइएगा ताकि टेस्ट करें। और ये खरबूजे हैं हमारे वहाँ तो बड़े सेहतमंद सेहतमंद से, वो दूसरे टाइप के हैं। यहाँ भी ये बड़े बड़े भी हैं, लेकिन ये एक एवरेज जो मैं उसमें लाया हूँ। तो ज़ाहिर है एक दफ़ा में तो मैं पूरा नहीं खा सकती थी, तो यही ब्लॉग खाली फ्रूट्स का होगा। तो अभी 4 करेंगे, फिर 4 एक दो दिन, मतलब आपको ब्लॉग में डिफरेंट फ्रूट्स दिखा देंगे। तो इसको मैं छील के भी हेल्प करूँ, ताकि वरना तो इसको छील वरना तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, इसको मैं इसी तरीके से हाथ मेरे धुले हुए, फिक्र नहीं करें। हाँ, हाथ बात हम सब धो के बैठे हैं। चलिए, डिस्टेंस तो होती रहती है क्योंकि बैल बज रही है, कभी आपको पता है। चले जो भी ये ले, सवाल है कि मैं टेस्ट करके इसका क्या बताऊं, मुझे तो पता है। आप भी खा के आए हैं वहां से, पाकिस्तान से? ओ वहां से। जबरदस्त, बड़े जूसी सा है, मीठा सा है, मीठा है। मेरा ख्याल है ऑरेंज है ये। वहाँ पे कभी कभी थोड़ा खट्टे आते हैं, लेकिन ये बड़ा मीठा है। किन्नो भी कहते हैं, ऑरेंज भी कहते हैं, पता नहीं क्या का नाम है, फिल्टर भी जो मर्जी कह लो, लेकिन मुझे तो ये पता है हम तो सीधा सीधा किन्नो कह रहे थे। लेकिन अच्छा टेस्ट है इसका, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है, मीठा है। और दैट्स इट। मुझे लगता है कि यहाँ, मुझे पहले भी, मैं जब भी कभी आती हूँ, सब्जियों और इसके फ्लेवर ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर केमिकल्स वगैरह कम यूज नहीं करते, कम यूज करते हैं। यहाँ की प्रोडक्ट होती है यहीं पे यूज होती है, हमारे उस तरफ बाहर से प्रोडक्ट आती है उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये कोल्ड स्टोरेज, वहाँ आपको पता कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा बिजनेस है। इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होंगे कि आप टनों के टन चीज उसमें होती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट। आप देखिए मैक्सिको से, अमेरिका से, यहाँ से कैलिफोर्निया से चीज़ें चलती हैं कनाडा में आनी, फिर इन्होंने स्टोरेज में, फिर मार्केट में। तो खास बात जो मैं कहूँगा ना, जो चेंज तुम्हें लग रही है ना उस वक्त, ये ज़्यादातर इसमें कोई कोल्ड स्टोरेज की चीज़ नहीं, जैसे आई मे भी कहीं हो, लेकिन ज़्यादा मोस्टली बगैर कोल्ड स्टोरेज के फ्रेश जो मार्केट से आई है। अब केमिकल दवाइयाँ शवाइयाँ वो जो डाल उसका वो तो अपने अलग इश्यू है, लेकिन ये फ्रेश बारवल होती है कि आपको सीधी मार्केट से आई और बाजार में, मतलब फसल से, ज़मीनों से आई और वहाँ से और यहाँ पहुँच गई। तो इसलिए इसका फ़र्क टेस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ मैं खाता हूँ, वहाँ आपको फील होता है कि ये चीज़ कहीं जैसे रखी हुई एक चीज़ कोई खाते हैं ना पुरानी तरह फील, और यहाँ आपको फ्रेशनेस महसूस होती है। तो ये थोड़ा सा ये चीकू काटे, चीकू इसका मैं बताऊं, ऑरेंजेस और सिट्रस, जैसे अगर ऑरेंज का सीजन जा रहा है तो लेमन है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन इम्यून सिस्टम जो सिट्रस है आपका बूस्ट करता है, तो आप कोशिश करें कि अभी ऑरेंज है यहाँ पे सीजन में, तो आप जरूर उसको एवरीडे अपनी खुराक में शामिल करें, उससे आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये नहीं है तो आप लेमन, लेमनेड, लेमन इस तरह का कुछ यूज करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो।
और चीकू काट रहे हैं सर। अब देखिए इसमें विटामिन सी जिसको कहते हैं, तो मैक्सिमम विटामिन सी है इसके अंदर, इसलिए आप बजाय के विटामिन सी की गोलियां खाने के तो आप ये इनको खाओ। वो ऐसे ही हमारा जो अजीज मियां कबाल, अल्लाह मफरत करे बेचारा, मैंने उनको बड़े करीब से सुना और बहुत सुना, वो एक कवाली सुनाता था कि उसमें फ़र्क वो बताता है, बोला बा फ़र्क ये है जो ये शराब वराब जो ड्रिंक करते हैं, बोला ये वो करते हैं, मैं बोला उनकी जगह पे उनकी शराब की गोलियां खा। अंगूर जो है, ये जो ग्रेप्स, आपको पता है ग्रेप्स से ये वाइन और इधर उधर ये बनते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े बागात हैं। मुझे इसलिए भी काफ़ी नॉलेज है कि मैंने फॉर्म से ग्रेप्स भी उठाए हैं और इनकी वाइन की वो जो रॉ वाइन इनका वगैरह ट्रांसपोर्ट की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने तो ड्राइव करके लाते थे बरा। तो बड़े बड़े इसके बागात, इतने बड़े आप सोच नहीं, एक एक तरफ से आप देखो आसवा ये क्या इसको बोलते ग्रेप, डिफरेंट टाइप के ग्रेप ही ग्रेप लगे हुए हैं और उनको भी उगड़ते हैं। तो सो वो शराब की जो अंगूर खाने वाले समझ लो शराब की गोलियां खाते हैं, और हम ये जो विटामिन सी की बजाय हम उसका वो जो वो खा रहे हैं, तो गोलियों की बजाय ये खा रहे हैं। तो ये लेंगे और ये चीकू तो बहुत ज्यादा मेरा पसंदीदा है। लास्ट ईयर तो कोविड की वजह से कनाडा भी नहीं आया था, कभी कभी आदत मतलब वैसे समर में आदत है तो, लेकिन वहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। तो चीकू का आप सीजन है, आप शेक्स बनाए, आइसक्रीम बनाए, जो बच्चों को पसंद है, सीजन की चीजें हमेशा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो सीजनल चीज ट्राई करें। मुझे उज़ैर को हमें और लाइबा को हमें सबको ही एक्चुअली ये चीकू बहुत पसंद है। अभी इतना ज्यादा मीठा नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन बाहर छोड़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन रात से बेहतर है ना, रात से बेहतर। मैंने बताया था ना थोड़ा सा, और एक खास बात पहले भी शायद मैंने क्या हर बंदा मेंशन करता होगा, किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा फ्रूट महंगा ना सोचे कि ये बहुत महंगा है, तो इस ये मेरे लिए बड़े फायदेमंद है। किसी ने कहा कि महंगा फ्रूट ना सोचे, आप देखें सीजनल फ्रूट और सीजन में वो सस्ता होता है। लोगों की नफसियात क्या है, वो सर्दियों गर्मियों वाला फ्रूट जो बाय करेंगे सर्दियों में चार चार गुना पैसा देंगे, और वो बड़ा समझते हम बड़ा महंगा फ्रूट खा रहे हैं हमारा बड़ा फायदा, ऐसा नहीं है। भले वो मुफ्त में है, सीजन का फ्रूट है, 20 रुपए किलो है, वो उसका जो फायदा है आज है, वो 500 रुपए किलो लेके सर्दियों में नहीं है, उसका आज फायदा है। तो ये कहते हैं कि फ्रूट वही आपके लिए अच्छा है जिसका सीजन है। हाँ, फ्रूट सब्जी सीजनल खाएं, एक तो सस्ती होती है और उसका अल्लाह मियां ने इसीलिए बनाई है कि आपको उस वेदर में वो हेल्प करती है। तो देखिए सर्दियों में हालांकि कहते हैं गले में खट्टे खाने से खराश आ जाती है, लेकिन विटामिन सी आम कहते हैं गर्म होता है, लेकिन आम देखे गर्मियों में आता है, लेकिन उसकी तासीर कहते हैं गर्म है, लेकिन देखे गर्मियों में आता है। तो अल्लाह मियां की हर फ्रूट और सब्जी के पीछे हिकमत है, तो हमें ऐसी नियमतों से फायदा उठाना चाहिए। अब आ गया सेब का टाइम, सेब वैसे जो होता है एप्पल जो होता है मैं छिलके के साथ ही खाती हूँ, पर जहर छील रहे हैं तो कोई बात नहीं सर, आपको पता नहीं। अभी कई लोग मुख्तलिफ यहाँ लोगों के आ रहा है, कोई कहते हैं ये फ्रूट सेब जितना मर्जी महंगा हो उसके बावजूद छील कर खाओ, मतलब कहने का अगर चीज बहुत महंगी है तो आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहेंगे ना। एक फलसफा मैंने ये भी सुना, एक कहता फ्रूट जितना मर्जी सस्ता हो या महंगा हो लेकिन आपने उसको छील के ही खाना है, मतलब उसके बगैर खाना है, उल्टा कहते हैं। यानी अगर सस्ता है तो ये नहीं आप कहो कि अब मैं इसको छील के समेत खा जाऊँ, अभी कोई बात नहीं, ये वेस्ट ही नहीं। तो ये दौर आ रहा है, कोई कहते हैं छील के फायदेमंद है, अब ये तो कोई बड़े लोग कोई हकीम टाइप के या उसके वाला है कि एप्पल को छील, अगर आपके इल्म में है कि क्या इसको छिलके से खाना फायदेमंद है या बगैर छिलके के, मैं बहरहाल इसको छील के खाता हूँ। मुझे नहीं पता कि महंगा है कि सस्ता है क्या चक्कर है, लेकिन मैं तो छिलके साथ खाती हूँ। मैं समझती हूँ छिलके साथ कोई भी चीज आप खाते हैं जो ईटेबल हो, जो फ्रूट हो या सब्जी हो, तो उसमें फाइबर आपको ज्यादा, फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है वेट लॉस के लिए भी और वैसे भी आपकी सेहत के लिए। तो बहुत अच्छा सा है, मीठा सा है ये, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट उसके मुकाबले में, उसके मुकाबले में बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि चोर हूँ बहुत फ्रूट खाने की, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपको उसकी वो फील होगी कि ये चीज जो है ना ऐसे नहीं कि अभी फील्ड से आई अभी दर्द से आई, ये स्टोरेज से आई। इसी तरह इसीलिए तो लोग कहते हैं फ्रिज में रखी हुई ज्यादा चीजें आप ना खाएं, पानी तो मजबूरी है, लेकिन इसके अलावा हम तो हर चीज फ्रिज में घुसेड़ देते हैं, चार चार दिन बाद खाते हैं। अभी मैंने
ये भी नया इनको अब यानी वो दिया है, एडवाइस दी है घर में वहाँ बच्चों को आसपास सब। मैंने भी खुदा के लिए आप फूड को बहुत 24 घंटे भी वो किया जाता, हमारे घर में पाँच पाँच छः छः दिन का फूड बड़ा होता है और चार दिन पाँच दिन बाद हम करके खा रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अल्लाह ने अगर ये नियमतें हमको दी हैं तो हम इसको फेंके भी ना, लेकिन हेल्थ के उसके हिसाब आप कम पकाएं। ये चार चार पाँच पाँच दिन फ्रिज में रख के खाना ये ठीक नहीं है, लेकिन खाते हैं। जॉब के टाइम पे जब हम लोगों की जॉब होती थी हमारी, तो आसवा एक एक हफ्ते का पूरा बेचारे फूड बना के बच्चों बच्चे छोटे थे छोटे बच्चे नहीं रखते थे फ्रीजर को, फ्रीज हाँ अच्छा चलो उसमें फ्रीज कर देते, लेकिन आप फ्रीजर में नहीं होता, ज्यादा फ्रीजर में होता, लेकिन जैक को होता है कि फ्रेश बनाए खाए, फ्रीजर में भी क्यों रखना, रखना वो रखना वो ठीक नहीं। फ्रिज और फ्रीजर की बात कर रहे हो, वो चाहते हैं कि उसी पे बना लो, उसी पे खा लो, या चलो एक टाइम का दूसरे टाइम पे शेयर करें, आप ट्राई कर लें। लेकिन मैंने कहा मैं रखता हूँ सबसे ज्यादा, तो फ्रिज कर रखा हुआ मैं खाता हूँ, मैं जाया नहीं करने देता। वहाँ पे एक्चुअली इतनी रिसोर्स नहीं है कि बंदा किसी को दे दे कर ले, आजकल स्पेशली कोविड में तो बहुत ही मुश्किल था, वरना ये किसको दे फूड, ऐसा है ही नहीं पका हुआ फूड, कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ जाके देते। हाँ वैसे चीजें आप कहीं दे सकते, बहुत सारी जगह है आपको पता है, अब आपने पकाया कम पकाओ दोबारा। मैं तो हर फ्रूट के बाद ऑरेंज खा रही हूं, तो उससे जो न्यूट्रल हो जाता है, तो दूसरा मुंह में ऑरेंज वर्क करता है तो ये हो रहा है मतलब। तो चलिए जी आप बताएं कि मैं कौन सा फ्रूट और आपके लिए ट्राई करूं, पाकिस्तान का कोई हिडन फ्रूट है आपको जो नहीं मालूम है, इनको मालूम होगा जो भी होगी उसमें। ड्राई फ्रूट का तो सीजन नहीं है, लेकिन कहेंगे तो वो भी ट्राई कर लूंगा, ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप उसको एक से दो दिन रखें घर में। आम जो है हम हमारे अपने जमाने में वालिद साहब के दौर में आम हम अपने फूड फील्ड में बाग था उसमें ही लगाते थे। केला हो आप उसको ओवरनाइट जरूर रखें, दूसरे दिन खाएं आपको देखें उसका इतना ओवरनाइट फ्रिज में नहीं बाहर रखा हुआ आम, उसमें मिठास दूसरे दिन पैदा होती है। केला अगर तो ऑलरेडी बहुत ही पका हुआ वो चितरी जिसको कहते हैं आई हुई, फिर नहीं मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगर वो अभी थोड़ा सा वो है मिक्स येलो और ग्रीन, तो आप ओवरनाइट कर रखें, दूसरे दिन शाम को इतना मीठा होगा। आप ये खास तौर पर चीकू कह लें, इसी तरह मैं वो लाता हूँ अनानास को अंग्रेजी में उसमें क्या कहते हैं पाइनएप्पल पका हुआ हम लाते हैं खास तौर, यकीन करें मैं दो तीन दिन तक उसको नहीं काटता हूँ, बड़ा ऐसी मिठास उसमें आती है। कोई चीज़ बीस किस्म की आप उसको ओवरनाइट रखें, फ्रूट को खा के देखें। या मैंने अपने दोस्तों को एडवाइस बोला यार कल आम जो तुमने दिए या हमने जो लिया जब बोला यार बड़े खट्टे निकले, मैंने कहा क्यों, बोला यार हमने खा, मैंने कहा यार कुछ बचे हैं आज ट्राई करना, बोला बचा कि सारे मेरे अभी थे तो हमें पता लगना वहाँ से लिए रात को, अभी वो इतने वो सॉफ्ट नहीं हुए थे, इतने राइट जिसको कहते हैं सही मानों में अंदर से नहीं था। अगर आप वही आम मैंने ओवरनाइट रखे ये पिछले सीजन की बात कर लो, दूसरे दिन यकीन करें उसी दो को करो कहता इतना डिफरेंस, कहता मैं हैरान हूँ इतना डिफरेंस, बोला ये इतना मीठा हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप चाहें तो थोड़ी सी टिप, जब आप देखें वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है ना, खरबूजे भी हमारे जमीन पे, अब तो खैर जमीन से तो मैं ऐसे ना कहूँ, मेरी को वीडियो देखें तो कहें जमीन अपनी जमीन अपनी जमीन अब कोई नहीं, लेकिन मैं वालिद साहब के जमाने की बात में बहुत लगाते थे हम, वहीं तोड़ा वहीं बैठे वहीं खाए। और एक वाकया मैं बता चुका हूँ कि हम गाँव में एक स्कूल में जाते, अपने गाँव से स्कूल दूसरे गाँव में जाना, रास्ते में ये खरबूजों की फसल पड़ती थी, तो उसमें से पगडंडी लोग बना लेते हैं, तो वो लोग तोड़ते थे खरबूजे, तो जो वो जिसकी ज़मीनें थी वो बहरा देते थे, दूर बैठे हुए देख रहे होते थे। तो वहाँ करते करते वो पगडंडी में से मैंने क्या करना उसको ठुट मारा, क्योंकि जो बहुत खरबूजा पका हुआ तो फौरन टूट जाता है, कच्चा नहीं टूटेगा। चलते चलते एक को ठुट मारा नहीं टूटा, चले जा रहे पता भी नहीं लग रहा उसको, यूँ करके स्टेप बढ़ा के पता चले एक को मारा उसका वो जो बिल्कुल पका हुआ था टूटा, मारते मारते आगे ले गए उसके खेत से निकले और वहां से चुपचाप से उठाया उन्हें रास्ते वही तोड़ चलते हुए स्कूल जाते हुए हाथ से तोड़ा और खाते हुए जा रहे। तो दिस इज मी चले जी, हमने तो कर लिया माशाल्लाह फ्रूट सारे टेस्ट और उनका लाजवाब किस्म का जायका है।
और माशाल्लाह लमिया पाकिस्तान को और ज्यादा तरक्की दे और हमारे सब लमिया फ्रूट नसीब करे। तो मैं आपको मैं ये कोई बात नहीं होता है, ये स्लिपरी होता है। मुझे ये फिक्र थी कि ये हम फ्रूट खाने तो मैं लगी हूँ लेकिन ये बात कौन करेगा। तो माशाल्लाह जैद में टैलेंट है कि आप कुछ भी साथ में सामने रख दें वो उसमें बातचीत कर लेती। तो मेरे ख्याल वीडियो तो इस वक्त ये पूरी हो चुकी होगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम आएंगे नेक्स्ट नए फ्रूट के साथ। हमारे वालदा बेचारी बीबी हम कहते बीबी कहते बोले ये गन्ना का खटिया था खाता है ये बड़े बुजुर्ग कहते थे वो कह गए हैं और तुम आगे YouTube का खटा यानी यानी वो कोई भी बात करो ना अब हम पकड़ाई नहीं देते ऐसे नहीं ऐसे नहीं बीबी ऐसा हो तो बुलाओ क्यों तो गन्ना का खटिया अंदर तक खांदा बातों यानी आप बातों से अपने आप को सर्वाइव करते हो मकसद उसका ये। तो ये तो मेरी माँ कहती थी बिल्कुल। तो एक पीस और ट्राई कर ले यार मीठा हुआ बहुत। तो खरबूजे का बता चुके हैं वैसे भाई दबे हम तो चले ये बहुत हो गया इससे ज्यादा और क्या बनानी है फिर वो वीडियो भी लगे आप भी बोर हो जाएंगे। मेरी वीडियो आप कमेंट करके बताएं कौन सा फ्रूट टेस्ट करो। हाँ इसके अलावा आप दूसरे करते हैं और इनका जबरदस्त ये है कि जब फ्रूट्स बच जाए तो आप इसमें चाट मसाला डालें थोड़ा सा लेमन डालें या लेमन ऑरेंज जूस डालें और फ्रूट चाट बनाएं और मजे से थोड़ी सी ऊपर क्रीम डाल दें।